लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रशासन द्वारा लगातार सुरक्षा की दृष्टि से निष्पक्ष व भयमुक्त चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुलिस व सीआरपीएफ व कई टुकड़ियों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च रादौर के त्रिवेणी चौक से शुरू होकर एसके रोड से गुजरता हुआ शहर में निकाला गया। फ्लैग मार्च बारे जानकारी देते हुए थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि ये फ्लैग मार्च क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा, शांतिपूर्ण व सुरक्षित वातावरण में विश्वास व्यक्त करने के लिए निकाला गया है। उन्होंने बताया कि आज इस फ्लैग मार्च में डीएसपी रादौर, 3 पुलिस थाने के प्रभारी सहित सीआरपीएफ सहित अन्य टुकड़ियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि आज शाम तक ये फ्लैग मार्च रादौर थाना इलाके सहित जटलाना व फरकपुर में निकाला जाएगा, ताकि लोकसभा चुनावों को देखते हुए लोगों में विश्वास की भावना पैदा हो सके। उन्होंने अपील भी की है कि किसी भी तरीके से कोई शांति भंग करने की कोशिश ना करें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। ये लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक निष्पक्ष करवाने के लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो और निष्पक्ष चुनाव हो सके। कहां से कहां निकाला जा रहा? ये आज रादौर शहर में निकाला जा रहा है और उसके बाद जटलाना एरिया में जाएंगे, उसके बाद फरकपुर थाना एरिया में जाएंगे, ऐसे शाम तक चलता रहेगा। कौन-कौन सी टीमें हैं इसमें सर? SHO रादौर, DSP रादौर, SHO जटलाना, SHO फरकपुर, SIS और असिस्टेंट कमांडेंट CRPF है, और CRPF की 2 गाड़ियां हैं और दोनों हमारी PRV की गाड़ियां हैं। ये दिया जा रहा है कि लोगों के अंदर आत्मविश्वास पैदा हो और लोग निष्पक्ष चुनाव करवा सके।